हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं आज तूफान ट्रेलर का रिएक्शन देने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए 50 लाइक्स और 10 सब्सक्राइबर का एम रखते हैं। सो प्लीज गाइस, वो फ्री है, प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर मिस्टर अजीज अली, द 5-year बॉक्सिंग बैन नाउ स्टैंड्स क्लोज्ड। प्लीज कलेक्ट योर लाइसेंस। क्या करूंगा ये लाइसेंस लेकर? फिर से बॉक्सिंग करो। तुम तो ऐसे कह रही हो कि अच्छी दुनिया वेट कर रही थी, कब ये आएगा और अजीज अली फिर से बॉक्सिंग करेगा। किस बात का डर है तुमको? इंडियन बॉक्सिंग में एक नया उभरता सितारा अजीज अली टोन भी का स्ट्रीट फाइटर है। डॉक्टर को ने कैसे लगी? थोड़ा बोले अब ना बाहर काटो। बॉक्सिंग और भाईगिरी में यही फर्क है। बॉक्सिंग में एक इज्जत है। मोहम्मद अली का नाम सुना है? हाँ, दिलिया अली का कसा एक नंबर का छपड़ी। कोच नाना प्रभु, उनके जैसा कोच अब मिल जाए ना तो बॉक्सिंग का बच्चन बन सकता हूँ। क्या करेगा बॉक्सिंग सीख के? इज्जत वाला जैसा फीलिंग आया उसमें। इज्जत का मतलब मालूम है? अपने एरिया में सब अपने सामने घुटने पे गिर जाते हैं, नाक रगड़ते, वो इज्जत नहीं है इतना मालूम। ये अज्जू भाई, ये अजीज अली बॉक्सर। क्या बनना है? सिर्फ बॉक्सिंग का रिंग नहीं है, घर है। आसे तेरा घर। खून पसीना एक करके तूने अपना घर बनाया, संभाल उसे। तोड़ उनका। बताया नाना सर अपने को फाइट के बाद क्या बोले? तूफान। अभी तू जिसे मानता है वहां माथा टेक गया। मतलब अच्छी अच्छी बहुत अच्छी। तूफान ने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। जिस मंदिर की आप पूजा करते हैं आपने उसके साथ विश्वासघात किया। तेरे को हरा भी बोले, तेरे को धोखेबाज बोले। अजीज अली पर 5 साल का बैन लगाया गया, तो ऐसा क्या मांग लिया तुमसे कि तुमने ये सब कदम उठाया? जिसके लिए तेरे को इज्जत दिया उसका तुमने मिसयूज किया। बॉक्सिंग तुम्हारी लाइफ है अजीज। अरे सब टूट गया है। जो अपने आप से दुनिया से भाग रहा है, या ये अजीज अली तूफान जो फिर से उठेगा। इस मूवी का ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद आया और इसका एक्टर और एक्ट्रेस का एक्टिंग भी बहुत अच्छा था। इस मूवी में मुझे ये समझ आया कि फरहान अख्तर सर इज अ एक्टर ऑफ दिस मूवी, उनको बॉक्सिंग पसंद है और उसका उनका लवर और वाइफ मुझे पता नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव है उनके लिए और उनका पैशन है बॉक्सिंग। एट लास्ट में कुछ होता है, मुझे पता नहीं इस ट्रेलर में वो खुलासा नहीं किया है, और वो बॉक्सिंग छोड़ता है फिर और उनका वाइफ सब कुछ मोटिवेट कर बैक वापस तूफान होकर बॉक्सिंग पर एक और बार एट लास्ट कड़े करती है। बीच में थोड़ी सा मिस्ट्री है, वो क्यों ऐसा वो छोड़ दिया वो बॉक्सिंग कुछ समय के लिए, वो थोड़ा सा मिस्ट्री है, वो जानने के लिए मूवी देखना पड़ेगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे चुका हूँ, आप प्लीज जाकर मेरा प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं।